इंदूर इथल्या सरकारी लॉ कॉलेज वादात सापडले. कॉलेजमधील प्राध्यापकावर धार्मिक कट्टरता पसरवल्याचा आरोप करण्यात आलाय. काही विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांनी एका पुस्तकावरून जोरदार वाद घातला. त्या पुस्तकामध्ये हिंदू हे मुख्य दहशतवादी आहेत. यासोबतच शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, RSS बद्दलही आक्षेपार्ह लिखाण करण्यात आले. दरम्यान या प्रकरणी चौकशी करून FIR दाखल करण्याचे आदेश मध्य प्रदेश सरकारने दिलेले आहेत. कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जब टीचर से हमारे जब प्रचार में मौजूद उनको हमने इसकी शिकायत कराई तो शिकायत में प्रचार ने जो मीडिया में बयान दिया कि किसी भी प्रकार की कोई इसमें दोष नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये सब निराधार है. उसके एक दिन बाद हमने उनको उसका रेफरेंस बताया कि ये पुस्तक में जो पढ़ाया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है और कहीं ना कहीं राष्ट्रता की भावना को आहत करने वाली चीज़ें उसमें थी. सर, ये डॉक्टर फरहत खान की लिखी हुई कलेक्टिव वायलेंस के ऊपर किताब है और किसी लोकल पब्लिशर की छापी हुई है और ये किताब जो है 2014-15 में ये खरीदी गई किताब है. और क्योंकि मैं तो उस वक्त था नहीं, अब मेरे नोट्स में तो कल ही यानी जो है ये किताब आई सामने और मैंने कल हालांकि आदेश दिए थे, मैंने कहा कि इसको डिस्ट्रॉय कराया जाए लेकिन क्योंकि रात में मंत्री जी का ये घोषणा की गई कि हम इंक्वायरी कराएंगे उस किताब के संबंध में तो मैंने उस किताब को सुरक्षित रखवा रहा हूँ, उसको सील करा के जिससे कि इंक्वायरी किसी तरह से प्रभावित ना हो. क्योंकि इस पुस्तक में अनेक जगह ऐसे कंटेंट हैं जिनसे एक धर्म विशेष की जो उपासक हैं और जो उनके आस्थावान लोग हैं उनकी मान्यता को अपमानित किया गया है, आस्था को ठेस पहुँची है और दूसरी ओर दो वर्गों में शत्रुता पैदा करने के लिए भी इसमें इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट है, ऐसा शिकायत में बताया गया है.